Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. बहुत सुना था इंडिया के बारे में, एक गरीब लाचार देश, एक असभ्य और एक अशिक्षित देश, जहां पर चारों तरफ सिर्फ गंदगी ही फैली हुई है। भारत तो गडरियों का देश है, सफेदों का देश है, पाषाण युग में अभी भी भारत जी रहा है। कहीं भी खड़े रहकर भाषण देने से कोई देशभक्त नहीं बनता। इस तस्वीर को यह इंडिया में दिखाने का प्रयास किया गया और इसलिए मैं इस अभियान से जुड़ा। मैं आपसे भी आह्वान करता हूँ, मैंने बहुत विचार करके यह इंडिया के इस नजरिए को सपोर्ट किया है और मैं आपसे भी अपेक्षा करता हूँ कि ऐसे अभियानों की हम सब देश भारतीय सराहना करें, इनका समर्थन करें। यह इंडिया बना दीजिए एक नया पाकिस्तान और निकाल फेंकिए बेबस और लाचार लोगों को। कैसी लगी सर आपको ये मूवी? शानदार, बहुत बढ़िया सर। क्या बताना चाहेंगे इसके बारे में, कुछ बोलना चाहेंगे आप? बहुत अच्छी मूवी लगी, इससे देशवासियों को एक संदेश मिलेगा कि ये हमारा जो हिंदुस्तान है वो किसी भी देश से कम नहीं है, ये विश्व गुरु था, है और रहेगा। बोलना चाहेंगे सर? डेफिनेटली ये बहुत अच्छी मूवी रही और सबसे बड़ा तो एक संदेश जो लोगों को जाना चाहिए था वो इस मूवी के माध्यम से मिल रहा है। ये केवल एक एंटरटेनमेंट का पार्ट नहीं है, इससे बहुत बड़ा एक सामाजिक संदेश और विशेषकर एक हिंदुस्तानी होने का जो गर्व इस पिक्चर ने दिया है तो डेफिनेटली दिल से निकलता है। ये है इंडिया। नहीं नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं लगा, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है और इतना अच्छा मुद्दा उठाने की कोशिश करी है इसमें, और मेरे ख्याल से तो हर इंडियन सिटीजन को ये मूवी देखनी चाहिए। एकदम इंस्पायरिंग मूवी है और अगर इस मूवी को देख के हम कुछ अपने आप में बदलाव ला सकें और अपनी कंट्री के लिए एक छोटा सा स्टेप भी अगर हम आगे बढ़ा सकें तो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी बात होगी, हमारे लिए भी, हमारी कंट्री के लिए भी। एंड हेड्स ऑफ टू डायरेक्टर लोम हर्ष जी, जिन्होंने इतना क्रेज़ और इंस्पायरिंग और इतना अच्छा सब्जेक्ट लिया और बहुत ही शानदार मूवी बनाई। सो मैं